हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से इंडियन जुगाड़, जो हमारी एपिसोड पहले वन गई है, अब एपिसोड ये टू होगी। तो हम देखेंगे कि इंडिया के कौन कौन से जुगाड़ हैं जो लोग लगाते हैं, इंडियन अवाम, और कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान में भी लगते हैं, और कौन से हैं जो इंडिया में लगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि पहली वीडियो तो बहुत ही कमाल थी और बहुत ही कमाल के जुगाड़ थे। तो देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन से जुगाड़ हैं और कौन कौन सी नई चीजें आई हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। वैसे तो भैया, हमारे यहाँ हर भारतीयों को जुगाड़ करने में महारत हासिल है, क्योंकि जब भी कोई परेशानी हमारे पास आती है तो हम लोग उसका कुछ ना कुछ हल तो निकाल ही लेते हैं। कई बार वो हल आसानी से निकल जाता है, तो कई बार कुछ लोग जुगाड़ लगाकर अपना काम निकाल ही लेते हैं। यही कारण है कि देशी जुगाड़ की सैकड़ों फोटो आपको रोजाना सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगी। भैया, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही देशी जुगाड़ों से रूबरू करवाएंगे, जिनको देखकर आप भी सिर्फ एक ही बात कहेंगे, मोगेम्बो खुश हुआ। तो भाई, वीडियो काफी ज्यादा फनी और मजेदार होने वाली है, तो आप इसे पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, इसका पहला पार्ट बहुत ही मजे का था। हम आज की इस जुगाड़ वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वो प्यारे प्यारे दो बैल और उनके पीछे लगी बैलगाड़ी और उस पर धोती कमीज पहने बैठा वो प्यारा सा किसान नजर आ जाता है। लेकिन इन पर इतनी मात्रा में बोझा ढोया जाता है कि लोगों से इन बेजुबानों पर ये अत्याचार देखा नहीं जाता। अब इसी बोझ को कम करने के लिए हमारे देश के कुछ होनहार छात्रों ने कमाल का आविष्कार कर दिया। जी हाँ, इन्होंने किया कुछ यूं कि बैलगाड़ी के दोनों बैलों के बीच में एक तीसरा पहिया लगा दिया, जो कि बैलों पर भार को तो कम करता ही है, साथ में बैलगाड़ी को पूरी तरह से संतुलित भी रखता है। ये रोलिंग सपोर्ट इस टेक्निक से लगाया गया है कि इसे बैलों की ऊंचाई के हिसाब से ऊपर और नीचे भी किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, लोगों को तो ये जुगाड़ काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। आपका इस जुगाड़ के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जुगाड़ नहीं काफी अच्छी इन्वेंशन है। प्रेस करते ही पुराने से पुराना कपड़ा भी खिल उठता है, लेकिन वहीं पर बिना लाइट के प्रेस भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि लाइट के बिना तो ये चल ही नहीं सकती। लेकिन भाई, हमारे भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि नामुमकिन है, सब मुमकिन है। जरा आप इस जुगाड़ को देखिए, भाई साहब के घर लाइट चली गई थी और उनको प्रेस करने ये मैं भी करता हूँ, क्योंकि ये मैं करता हूँ जब कॉलेज के लिए यहाँ लेट हो रहे होते हैं ना, तो तब ये बहुत जरूरी काम होता है। जब सुबह सुबह कभी लाइट चली जाए तो वो भी घर वालों को तो पता नहीं कि मैं करता हूँ, वरना फिर डांट पड़ जाएगी कि स्त्री को चूल्हे के ऊपर रख के गर्म करके। ये मैं भी करता हूँ, ये मैं लोगों का क्यों, ये मैं करता हूँ। ये सही प्रेस को गर्म कर दिया, क्या बात है। देखो भाई, ये दुनिया सिंगल लोगों से भरी पड़ी है, और कुछ लोग तो इस हद तक सिंगल होते हैं कि क्या ही बात करें। वैसे आपका क्या सीन है, क्या आप भी मेरी तरह सन्यासी बने फिर रहे हैं, या फिर कमेंट में बताना। कर दिया कमेंट, चलो ठीक है। अब जरा एक नजर आप हमारे इस सगे संबंधी पर भी डाल लो, जिसको भगवान ने इस हद तक सिंगल बना दिया कि ऐसे जुगाड़ लगा लगा कर काम चलाना पड़ रहा है। भैया, आज तक हम सभी ने जूते चप्पलों का बस दो ही कामों के लिए इस्तेमाल किया है, एक तो पहनने में और दूसरा खाने में। लेकिन जरा आप अपनी एक नजर इस जुगाड़ पर घुमाइए, इस जुगाड़ लाल ने तो हद ही कर दी, चप्पल का बाथरूम में तक इस्तेमाल कर लिया। सच में बहुत पाप लगेगा इसे। भैया, आप सबके घर पर सिलेंडर तो जरूर होगा, जिसमें गैस खत्म होने पर हम नया सिलेंडर बुक करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम घर पर खुद से ही गैस भर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इस फोटो को ही देख लो, इसमें कैसे ये सभी अपनी गैस का सदुपयोग करते हुए सिलेंडर भर रहे हैं, और साथ ही पैसों की भी बचत हो रही है ना। अमेजिंग जुगाड़। ऐसे ये जुगाड़ तो नहीं है। आए दिनों बाइक के इंडिकेटर अक्सर खराब होते रहते हैं, कुछ लोग तो खराब होते ही तुरंत सही करवा लेते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि इनको रिपेयर करवा के क्या ही करना है, बाइक तो वैसे भी चल रही है। चलो, ये बात भी सही है, लेकिन जरा आप इस बाइक के इंडिकेटर को देखिए, इस बंदे ने तो अलग ही जुगाड़ कर दिया, ना तो इंडिकेटर रिपेयर करवाए और ना ही ऐसे खराब छोड़े, बल्कि इंडिकेटर की जगह इस जुगाड़ू भाई ने दिए ही जला दिए। सच में हिस्ट हो या वेस्ट, इंडियाज जुगाड़ इज ऑलवेज बेस्ट। अच्छा दोस्तों, जब भी मार्केट में सब्जी या फिर हम फल फ्रूट लेने जाते हैं, तो वहाँ पर हम अपनी पसंद के हिसाब से सड़े गले फल छोड़कर अच्छे अच्छे फल या सब्जियाँ निकालते हैं, और अगर किसी फल के ऊपर सील लगी है तो भैया फिर तो हम उसे देखे नहीं छोड़ते हैं, तुरंत ले लेते हैं कि भैया ये तो ब्रांडेड है। लेकिन दोस्तों, ये सरासर गलत है। जरा आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो में देखा गया कि ये आम बेचने वाला बड़ी ही चालाकी से जहाँ पर आम सड़े हुए होते हैं उन उन जगहों पर सील चिपका देता है, जिससे कि ग्राहक को उसका सड़ा हुआ हिस्सा ना दिखे, बल्कि वो उसे और भी ज्यादा ब्रांडेड समझकर तुरंत खरीद दे।
मतलब यार हद दे, लोग भी चूना लगाने की नई नई स्कीमें निकाल ही लेते हैं। अब हम तो सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा भी कर सकता है। सुपर है यार ये तो, अच्छा जुगाड़ है ये। अब मैं भी जब लेने जाऊंगा घर की सब्जी वगैरह तो ये देख के लाऊंगा कि फलों पे अगर स्टिकर लगे हैं तो वो नहीं लेने। भाई दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ही जुगाड़ से चलती है, वो अपने हर काम में जुगाड़ का इस्तेमाल पहले करते हैं। अब जैसे कि आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, पंखे की हवा सही से नहीं आ रही थी इसीलिए इस लड़के ने ऐसा जुगाड़ लगा दिया। मूर्ति बननी चाहिए। दोस्तों जब भी कोई चीज पुरानी हो जाती है या फिर फट जाती है तो अक्सर लोग उन्हें कचरा और कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग पुरानी पुरानी चीजों के भी ऐसे ऐसे जुगाड़ कर देते हैं कि क्या ही कहने। अब जैसे कि आप इस जुगाड़ को देख लीजिए, इस जुगाड़ लाल ने तो फटे हुए जूते को तक नहीं बख्शा, इसका भी पटिया बना दिया। बेचारा जूता मन मन में बस एक ही बात बोल रहा होगा, यार कमाल है वीडियो। दोस्तों अगर मैं कहूं कि रोटियां पकाने वाले तवे का इस्तेमाल रोटियां पकाने के अलावा भी कहीं हो सकता है तो शायद आप मुझे बेवकूफ समझेंगे कि भला तवे का और क्या इस्तेमाल हो सकता है, तवा तो रोटियां पकाने के लिए ही बनाया है। तो भैया तवे का रोटियां पकाने के अलावा ये इस्तेमाल हो सकता है, ना तो कढ़ाई के अंदर से कुछ भी बाहर आएगा और इस तवे को भी हम बड़ी ही आसानी से कढ़ाई के ऊपर से हटा सकते हैं। जबकि अगर यहाँ पर ढकने के लिए थाली का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें बहुत सारी दूसरी समस्याएं रहती हैं। दोस्तों सोचो वो भी क्या टाइम था जब खेतों को जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, फिर धीरे धीरे इन ट्रैक्टरों ने बैलों की जगह ले ली और अब हमारा देश इतना ज्यादा विकसित हो गया है कि खेती के कामों में भी लोग बाग कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ, अगर ये दृश्य मोदी जी देख लेना तो भैया वो भी सिर्फ एक ही बात कहेंगे, यह देश बदल रहा है। भाई देखो ट्रैफिक में अक्सर ज्यादा भीड़ होने से कभी कभी गाड़ियाँ आपस में ठोक जाती हैं, जुगाड़ काम बात है लगभग सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब कुछ ऐसा ही देखने को मिला इस वीडियो में, दरअसल ज्यादा वाहन होने की वजह से रोड पर ट्रैफिक लग गया था, वहीं पर वीडियो में दिख रहे ये बाइक वाले भैया इतने ट्रैफिक में भी रुकने का नाम नहीं लेते हैं, घुसते जाते हैं। लेकिन भैया तभी सामने से एक बस आ जाती है जिसके चलते ही अपनी बाइक को इस रेड कलर की कार के पास तो ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा पास लेने से बाइक का हैंडल कार के कांच से टच हो जाता है और कांच वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। लेकिन कांच टूटते ही ये महाशय माफी मांगने की बजाय कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी, जरा देखिए। वैसे भैया जुगाड़ के मामले में तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। अब जैसे कि आप पाकिस्तान के अच्छा तो पाकिस्तान भी बीच में आ गया, सिर्फ घूमने के लिए है या फिर कुछ काम भी आता है ये तो भैया पाकिस्तान का ये जुगाड़ भाई ही जाने। वैसे आपको क्या लगता है ये किसका माता होगा, अगर कुछ आइडिया है तो कमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है। तो वैसे ये ट्रक है, ट्रक किसी जिस काम के लिए आता उसी काम के आता होगा, फोन हुआ करते थे। खैर अब तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक के हाथ में दिन रात फोन ही रहते हैं और कंपनियां भी आए दिनों नए नए फोन लॉन्च करती रहती है, जैसे कि अभी कंपनियों ने फोल्डिंग फोन लॉन्च किए थे। अब इन्हीं कंपनियों से इंस्पायर होकर एक जुगाड़ू भाई ने ये जुगाड़ कर लिया, यानी कि अपने सिंपल फोन को घर पर ही फ्लिप मोबाइल में बदल दिया। जरा देखिए कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। देखो डबल मंजिल घर होते हैं, डबल मंजिल बसें होती हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि डबल मंजिल होती है, लेकिन क्या आपने कभी डबल मंजिल रिक्शा देखा है? मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये देखिए अब तो डबल मंजिल रिक्शे भी आने लगे, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हमारा देश पीछे है, अब और कितना आगे ले जाओगे। देखो दोस्तों ये बात हम सबको पता है कि दुनिया के सभी पेड़ पौधे हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया में एक पेड़ ऐसा भी है जो कि ऑक्सीजन के साथ ही साथ हमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवाता है? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन सच है, मैं बात कर रहा हूँ महुआ के पेड़ की, जो कि हमें ऑक्सीजन तो देता ही है साथ में अनपढ़ को भी इंग्लिश बोलने पर मजबूर कर देता है।
दोस्तों अभी आप जिस जुगाड़ को देख रहे हो ये लगभग आपके घर में भी कभी ना कभी जरूर लगाया होगा। वैसे बहुत सारों को तो अभी तक समझ में भी नहीं आया होगा कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो भैया इसमें हो कुछ यूं रहा है कि कुकर के ढक्कन की लोक टूट गई थी, इसीलिए कुकर के ऊपर ढक्कन लगाकर इन्होंने उसको कपड़े से बांध दिया, यानी कि लोक का काम इन्होंने कपड़े से करवा लिया। अब भाई जुगाड़ तो जुगाड़ होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। भैया उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा। हाँ तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी और वीडियो के अंदर बहुत ही कमाल के जुगाड़ थे, पिछली वीडियो से ज्यादा अच्छे जुगाड़ इस वीडियो के अंदर थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो भी देख लिया। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत ही कमाल के जुगाड़, जैसे वो चूल्हे और इस्त्री वाला था वो मैं खुद करता हूँ, मैं किया हुआ है। और वैसे बहुत से जुगाड़ पाकिस्तान के अंदर भी इंडिया वाले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जिस तरह वो बैलगाड़ी वाला था और वो गाड़ी के साथ जो हल कर रहे थे, हल चला रहे थे, वो मैंने नहीं देखा। और बहुत ही कमाल के थे, मतलब इंडिया के अंदर बहुत ही कमाल के हैक्स हो रहे हैं, हैक्स ही कह सकते हैं नहीं, या फिर जुगाड़ हो रहे हैं बहुत ही कमाल कमाल के। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल बनाई थी, आप इन भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर दूसरी वीडियो का लिंक होगा उसको भी देख लें। और साथ ही कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट्स जो हैं वो मैं सारे पढ़ता हूँ। मुझे बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।